बीजेपी ज्वाइन किया था, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है, वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। पंद्रह तारीख से हरियाणा में सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण बनी हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण बनी हो, उसका हमें अंदाजा लगता है। और भविष्य में हमने वैक्सीनेशन की क्या प्लानिंग करनी है, किन क्षेत्रों में, किन वर्गों में ज्यादा जोर देना है, वो प्लान करने में हमें मदद मिलती है। और इस बार का जो सीरो सर्वे है, ये 6 साल से ऊपर के बच्चों का भी किया जाएगा, ताकि उनमें कितनी एंटीबॉडी है उसका भी अंदाजा लगाया जा सके। और जो कहा जा रहा है कि कोई तीसरी लहर आएगी, उसके लिए भी हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, ख़ास किसी एक कम्युनिटी के, वहाँ बच्चे ज़्यादा है, ये इस तरह की जो बातें उनकी, ठीक है। अगर किसी ट्राइब में ये है, ये बीमारी है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है हम सब मिलके उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है, कि रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो हम 126 एमएलए से सुझाव ले सकते हैं। सिर्फ किसी एक ट्राइब में ऐसा नहीं है, आप बागान में चले जाइए, वहाँ भी एक ही हाल है।
बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है, वो खुद बोले हैं 8 है, 8 में वो 8 नंबर है, तो 8 नंबर का संतान भी स्पीकर बन सकता है। हेमंत बिश्व जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। अब वो 4 नंबर है या 3 नंबर है या 6 नंबर है मुझे मालूम नहीं, तो 5 नंबर 4 नंबर वाला भी सीएम बन सकता है। हमारा जो सर्वानंद सोनोवाल जी थे वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे, तो छोटा वाला आके चीफ मिनिस्टर बना। मैं इसका मतलब मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि 7-7, 8-8 बनाए कोई। अभी देखिए लोगों पास ज़मीन कम है, प्रॉपर्टी कम है, इकोनॉमी किधर जा रही है, तो कंट्रोल करे, जो बातें चल रही है ठीक है हिसाब से करे। हम लोग 6-7 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे, लेकिन मेरे पास 2 है। हेमंत बिश्व जी 6-7 भाई बहन है, उनके पास 2 है। हमारे स्पीकर 8 भाई बहन है, उनके पास 2 है, मेरे पास भी 2 है। तो अभी भी अगर चाय बागान में, कहीं पहाड़ में, कहीं चौर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है सबको विश्वास मिले और किस रीज़न से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको ख़त्म करे। मैं समझता हूँ एक सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक सरकार की जिम्मेदारी है वो धर्म को ना देखे, जात पात को ना देखे, उस स्टेट के हर नागरिक, हर वोटर जो परेशान है, जिसके पास लैंड नहीं है उसको लैंड का व्यवस्था करे, उनको रिहेबिलेट करे। लेकिन ये बीजेपी सरकार, आपने देखा है पिछले भी, एक पर्टिकुलर किसी को, कुछ सेक्शन को ज़मीन दे रहे, सुविधा दे रहे हैं और किसी सेक्शन को नहीं दे रहे। बजे से खड़े हैं सुबह से, रोज 4-5 दिन से आ रहे हैं, रोज वापस कर देते हैं ना, लोग लिख के डालते हैं यहाँ पे कि मतलब कि नहीं मिलेगा या किस टाइम मिलेगा किस टाइम नहीं मिलेगा। और मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, उसको लिए भी मना कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं राशन मिलेगा, मना कर रहे हैं। हाँ लुक, there have been lockdowns for more than 7 weeks in Delhi. There's the process of unlockdown that has started, but people, especially those in the unorganized sector, have lost all their income earning opportunities, which basically means these people don't have deep pockets. They don't have money coming in their daily wages, which means they have no money to even feed their children. So the problem is that the government had to, while declaring lockdowns to fight COVID, had to also come up with schemes to make sure that everybody has ration to eat. Unfortunately, after 7 weeks almost, a scheme was put in place, but the cap was put of 20 lakh people to whom ration will be given. Now, the Supreme Court had ordered that in the National Capital Region, anyone who doesn't have a ration card also has to be given grains, cannot be allowed to go hungry. US FDA has rejected the emergency use authorization for Bharat Biotech's Covaxin. What's your take on that, sir? हाँ देखिए, हर देश का रेगुलेटरी सिस्टम अपना अपना, कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं बाकियों के साथ, कुछ अलग हो सकता है, उनकी अपनी पैरामीटर्स हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं।
हमारे देश का रेगुलेटरी सिस्टम भी इसी प्रकार अपने तरह से डिसीजन लेता है। साइंटिफिक फ्रेमवर्क सेम होता है, लेकिन नुआंसिंग उसकी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। जैसे हम लोग भी ट्रायल मांग रहे अभी तक जो वैक्सीन बच्चों के लिए लगे हैं, वो एक ज़रूरत उसकी थी कि हमारी कंपनीज बनाती हैं जब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एरिया में हमारे बच्चों पे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका जेनेटिक बैकग्राउंड और इन सबको होते होते क्या वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ सर्टन वैक्सीन से रोटा वायरस जो डायरिया को प्रोटेक्ट करता है वो वेरी कर जाता है कि गट फ्लोरा क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। इट मे नॉट बी द सेम फॉर अर्जेंटीना, देयर इज अ डिफरेंट कोहॉर्ट ऑफ पीपल। तो ये साइंटिफिक कंसिडरेशंस हैं और उनको मद्देनजर रख के कुछ नुआंसिंग, कुछ फर्क भी हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहाँ पे कि साइंस स्ट्रांग है और हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है। तो उन्होंने ये फैसला किया है, वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन एंड वी एक्सपेक्ट दैट अवर मैन्युफैक्चरर विल बी एबल टू कंप्लाई विद इट बाय डूइंग व्हाटएवर इट रिक्वायर्स टू बी डन। इट हैज नो इम्पैक्ट व्हाट्सोएवर ऑन आवर ओन प्रोग्राम, क्लियरली we are satisfied, our regulator has approved it, we have so much data on safety, we have so much data on their phase 3 trial that has been screened by them, seen by our own regulator, aur mujhe bataya ja raha hai ki unki jo phase 3 ki publication hai wo kisi bhi waqt agle 7-8 din mein ho jayegi, jo ki beyond wo hai jo data DCGI ke sath share karke unko licensure mila tha, abhi उसके भी आगे तक जो फॉलो अप्स हैं और स्टडीज़ हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो सामने उजागर होंगी और ऑब्जेक्टिव तरीके से होंगी, पीयर रिव्यूड जर्नल में जाएंगी। सो वी आर डूइंग ओके एंड वेरी वेल ऑन आर रेगुलेटरी फ्रंट। वी रिस्पेक्ट अनदर रेगुलेटर्स डिसीजन इन दिस रिगार्ड। स्टार्टिंग से जब मैं छोटी थी, इट्स जब मैं फोर्थ क्लास में थी, तब से मैं गेम ही कर रही हूँ, बट तब एथलेटिक्स करती थी, मुझे पता नहीं था पैरा के बारे में। तो उसके बाद मैंने जर्नल स्टार्ट करा, जर्नल गेम मतलब जर्नल ताइक्वांडो, तो उसमें कुछ हो नहीं रहा था, ओनली नेशनल तक जाके रह जाती थी, आगे जा नहीं पाती थी। तो फिर परविंदर बरार, उन्होंने मेरे को पैरा के बारे में बताया था, तो पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड श्री स्वराज सिंह और सुखदेव राज जी से बात हुई, तो इन्होंने बताया कि पैरा भी गेम होता है ताइक्वांडो के लिए। तो हमने बात करी और फिर ताइक्वांडो स्टार्ट करा, क्योंकि सर स्टार्टिंग से मेरे को मार्शल आर्ट बहुत पसंद है, कि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर था कि मुझे करना है। एथलेटिक्स तो हो गया, बट एथलेटिक्स से मैं संतुष्ट नहीं थी। कहते हैं ना कि वो चीज़ करो जिससे आप संतुष्ट हो, बट उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि नहीं मुझे कुछ और करना है। तो मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया, तो पैरा ताइक्वांडो में जैसे बात करी, फिर पैरा ताइक्वांडो में आगे, अब यही है सर गेम। हमारी उम्मीद जो अरुणा से है कि ये गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि इसने पहले वर्ल्ड चैंपियन के अंदर ये बनी थी तो ब्रॉन्ज मेडल था, और जिस लड़की से ये यूक्रेन की लड़की से हारी थी सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क था,
और इसको पता है कि उससे कैसे हमने जीतना है, और हमारी कई ऐसी रणनीति रहेगी कि इसको हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से ये सीधा गोल्ड आएगा और भारत का नाम ऊपर जाएगा। ये कहूँगा जी मैं, अगर देश के लिए बेटी मेडल ले रही है तो सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, हमारी मदद करनी चाहिए जी। पीछे जो परिस्थितियाँ आई हैं बहुत गंभीर आई हैं जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.